हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आज अरेंजमेंट है, क्लास फोर्थ में चलते हैं, कुछ तो करेंगे क्लास फोर्थ वालों के साथ। बहुत कम अरेंजमेंट लगे मेरे आज है, तो आज कुछ करेंगे, कुछ तो करेंगे, पक्का हिलेंगे डुलेंगे, कुछ तो करेंगे। ये है क्लास फोर्थ, चलो क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है? पक्का अभी पता चलेगा फोर्थ है या कौन से। आप खड़े क्यों नहीं हुए गुड मॉर्निंग में? खड़े हो जाओ। यस, जय हिंद या जय हिंद या गुड मॉर्निंग, ठीक है? ओके, बैठ जाओ, सिट डाउन। आज एक एक्टिविटी करेंगे हम अभी। कन्हैया, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनो पहले, ठीक है? एक्टिविटी ऐसी होगी, आपको अपने रोल नंबर्स याद है? रोल नंबर याद है? तो आपका रोल नंबर क्या होगा? रिवर्स में चलेगा। इसको बोलते हैं माइंड और बॉडी का, मसल्स का कोऑर्डिनेशन, ठीक है? माइंड और मसल्स का कोऑर्डिनेशन। कन्हैया, मैं आ गया तो सारा कोऑर्डिनेशन सही हो जाएगा बेटा। कन्हैया मान जा, ठीक है? तो जो रोल नंबर वन है वो हो जाएगा रोल नंबर, लास्ट कितना है, लास्ट कितना है, 19 हो जाएगा वो, ठीक है? और जो टू है वो कितना हो जाएगा? 18। यस, समझ में आ रहा है आपके। और जो थ्री है वो कितना हो जाएगा? अब अपने अपने रोल नंबर देख लो, आपको सिर्फ एक मिनट दे रहा हूं मैं, ठीक है? आप अपने रोल नंबर चेक कर लो फटाफट। तो आपको क्या करना है, काउंटिंग है ये, सिंपल, रिवर्स और सीधी, है ना? रेडी, टू, कौन है 18 वाला? हाँ हाँ, गुड। हाथ भी ऊपर करना है, सही बोला आपने, बिल्कुल हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड एंड से यस, ठीक है? ओके, डाउन, 18, हाँ गुड, ऐसे करके, ठीक है? 6, सबको थोड़ी बताना है, जिसका है। अंशिका कितना है आपका? जिसका है वो बताएगा, अपोजिट में जिसका आ रहा है, यही है ना? 16, किसका है? हाँ गुड। बच्चों को अगर फ्रीडम दे दी जाए तो वो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अभी क्लास फोर को देखने उन्हें टाइम दिया है कि सब अपने आप कुछ ना कुछ गेम खेलते रहो, तो ये मौका दिया हुआ है। अभी जाकर पूछेंगे एक एक से कर क्या रहे हैं, आगे सब अपने अपने उसका कर रहे हैं, जिसको थोड़ा सा आराम करने का मन हो आराम कर रहे हैं, जाते हैं जरा देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये कौन सा गेम खेल रहे हो लोग? कौन सी? रंग भरी बाल्टी। रंग भरी बाल्टी, बाल्टी तो दिख नहीं रही आपकी। बाल्टी कहाँ गई? खेलो खेलो। अच्छा, बंद करना होता है वो, हटाना होता है। अभी इन दोनों का गेम देखते हैं। कौन सा गेम खेल रहे हो? कौन सा गेम खेल रहे हो? मारने, कौन सा मारने वाला, कैसे? अच्छा, ऐसे करके। और अगर मिस हो गया तो? ये तो हम भी खेलते थे बचपन में। और तो ये मारने वाला गेम खेल रहे हैं, सर मारिए, टक मारा। तो इसने मार दिया भाई इसको। आप दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो? कौन सा गेम है? हैं? कौन सा? सिर ऊपर करके बोलो, नीचे करके क्यों बोल रही है? कौन सा वाला गेम है पूजा? जोर से बोल, हाथ साफ करने वाला। चलो शाबाश। और ये बॉयज में आप लोग कौन सा गेम खेल रहे हो? ओएस, किसके साथ खेल रहे हो? पार्टनर के साथ हैं? अच्छा, अपने पार्टनर के साथ खेलो। इन दोनों से पूछते हैं भाई कौन सा गेम खेल रहे हो? टाइप्स वाला। क्या टाइप से? क्या
अच्छा ओके ठीक है, अगर सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो आउट है ना। ओके सही है। हार्दिक किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, अपने पार्टनर के साथ खेलो। आप दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो? टाइप वाला छक्के वाला। चलो शाबाश, खेलते रहो, अपने आप खेलते रहो गेम। तो सब अपने आप में व्यस्त हैं और अलग अलग तरह के गेम, तो ये जो गेम होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। ये जब घर में जाते हैं छुट्टियों में तो उस टाइम में पता लगता है, या जो अपने दूसरे स्कूलों में जाने वाले भाई बहन हैं उनसे कुछ नया गेम लेकर आते हैं और कुछ अपना लेकर आते हैं। समय देना पड़ता है और उसके बाद वो अपने आप में ही मस्त हो जाते हैं, सब खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ नया गेम। तो अरेंजमेंट में खासकर आप अपनी तरह से कुछ ना कुछ क्रिएटिव कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराने की कोशिश करते रहते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी टीचर्स अपनी तरीके से कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। विजुअल इम्पेयर्ड के साथ में बहुत ज़रूरी है कि उनका मूवमेंट रखा जाए ताकि बॉडी पोस्चर्स और उन पर मसल्स पर सही इम्पैक्ट आए और जैसे जैसे ग्रोथ हो वैसे वैसे उनका जो चलने का पोस्चर है, पकड़ने का पोस्चर है वो सही, वो बिल्कुल सही रहे और जब सोसाइटी में निकलें तो बिल्कुल बन ठन के निकलें। और क्लास फोर्थ बाय।